हेलो दोस्तों, देखिए कितना खूबसूरत सा ये जो एक मैट है ये मैंने बनाया है, और ये बनाया है टोटली वेस्ट पॉलीबैग से। पॉलीबैग्स को हम ऐसे ही फेंक देते हैं, जानवर उनको खा लेते हैं, तो बहुत नुकसानदायक है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए अब करते हैं हम शुरुआत। देखिए ये बिल्कुल वेस्ट पॉलीबैग्स हैं, इसके लिए ये पॉलीबैग्स और ये सीज़र और ये क्रोशेट आपको चाहिएगा, और किस किस तरह से आपको इसमें जॉइंट लगाना है पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे कैसे इसको लॉक करना है लास्ट में, वो भी मैं आपको अलग तरीके से सिखाने वाली हूँ, और किस तरह से आप इसमें आगे से आगे जॉइंट लगाते जाएंगे ये भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, बने रहिएगा पूरी वीडियो में मेरे साथ, और अब देखिए प्रोसेस किस तरह से हमने अपनी जो पॉली बैग है ना उसको बिल्कुल सीधा कर लिया है, और सफाई के साथ उसको बिल्कुल सीधा कीजिएगा, अदरवाइज आपका थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी जो है थ्रेड्स बन सकते हैं। सो इस तरह से करने के बाद देखिए जो हमारा ये जॉइंट पार्ट होता है ना, बेस होता है पॉली बैग का, इसको हम निकाल देंगे। और इस तरह से आप चाहे कितने भी साइज़ के पीसेस कीजिए, लेकिन ये जो साइज़ मैंने किया है ये हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट होता है हमारे इस काम के लिए। तो दोस्तों, इस जो आर्ट के लिए ना मेरी बहुत खूबसूरत सी यादें भी जुड़ी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरह से मैंने ये सीखा, बनाया और किया, और कब मैं इसको करती थी। सो देखिए किस तरह से इसमें नोट लगानी है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये जो नोट है हम अक्सर लगाते हैं दो जॉइंट्स को जोड़ने के लिए, तो ये देखिए हम इस तरह से नोट लगाएंगे, हम जो सर्कल में हमारी ये निकलेंगी ना, तो इस तरह से लेकर हम जो छोटे वाली है जिसे अभी जॉइन नहीं किया है हमने, उस पॉली बैग को हम इसके अंदर से डालेंगे बड़े वाले के अंदर से, और इस तरह से लेकर उसको हम इस तरह से उसमें से निकाल कर थोड़ा सा खींच कर इसको लॉक कर देंगे। सो इस तरह से आप इसमें जॉइंट लगाएंगे ना, तो ना ही तो आपका इसमें कोई थ्रेड की तरह दिखाई देगा, ना ही रफ लुक आएगा, बहुत क्लियर लुक आएगा इससे, और बहुत ही क्लियरली आप इसे बना पाएंगे। सो ये देखिए इस तरह से जॉइंट लगाते जाइए, और जितना मर्जी आप इसको बड़ा बनाते जाइए, ये देखिए। और इसी तरह से मैं सभी जो जॉइंट्स हैं ना हमारे, वो सभी लगा लेती हूँ और दिखाती हूँ आपको किस तरह से ये हमें लगाना है। एक बार और ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैंने सिंपली इसको सीधा सीधा कट नहीं किया है, हमें राउंड में ही रखना है, इसके एजेस दोनों जुड़े हुए होने चाहिए। और फ्रेंड्स, थोड़ा सा फ़ैन चल रहा है तो ये जो हमारे पॉली बैग्स हैं ना ये उड़ रहे हैं, मैं उसको एक हाथ से दबाकर और दूसरे हाथ से वर्क कर रही हूँ। और ये देखिए इस तरह से आप उसको करते जाइए, और लंबा सा आप अपना थ्रेड वूल बना लीजिए, इसको बनाकर बिल्कुल जैसे हम अपने स्वेटर्स के लिए गोले बनाते हैं ना उनके, उस तरह से बनाकर रख लीजिए। एक दिन में आप ये बहुत सारा काम कर सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। और अब तो समर वेकेशंस आ रही हैं, बच्चों को भी बोलिए हेल्प करने के लिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है फ्रेंड्स, तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो काम है हमें करने चाहिए, बच्चों को सिखाने चाहिए। और इस तरह से देखिए मैंने ये सारी जोड़ ली है कलरफुल, आप चाहें तो एक अलग कलर की भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने एक पॉली बैग को पूरा एक बार जोड़ा है, उसके बाद दूसरा कलर लिया है दूसरा पॉली बैग का। इस तरह से आप भी बनाते जाइए, और ये देखिए बिल्कुल वूल की तरह आप इसको लपेट लीजिए और गोले बना लीजिए, ये ना तो कभी उलझता है और ना ही कभी परेशान करता है फ्रेंड्स। तो ये देखिए इस तरह से बना लीजिए, और अब करते हैं हम हमारा काम शुरू। सो इसके लिए किस तरह से आपको स्टार्ट करना है, आप क्रोशेट कोई भी साइज़ का ले सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा साइज़ का है ना जो क्रोशेट वो बिल्कुल ठीक रहता है। हमने इसमें नोट नहीं लगाई है, जो एक साइड से हमारा जॉइंट था ना उसमें क्रोशेट डालकर हमने चेन बनानी शुरू कर दी है। सो ये देखिए किस तरह से मैंने बनाई है, मैंने ज़्यादा बीच में गैप नहीं रखा है, मैंने 5 ही चेन बनाई है, और जब उसको लॉक करेंगे तो हम स्लिप स्टिच की मदद से करेंगे। तो फिर ट्रिपल क्रोशेट बनाकर इस सर्कल को पूरा फिल कर लीजिए, और ध्यान से कीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये थोड़ा सा ना यहाँ पर इसमें झोल पड़ जाता है, तो ये
गड्ढानुमा बन जाता है। सो वो ना बने इसके लिए आप ध्यान रखिएगा, बीच बीच में एक एक चेन भी देते रहिएगा, जिससे इसकी शेप प्रॉपर आए, बिल्कुल शेप में ये रहे। तो देखिए किस तरह से मैं बना रही हूँ, बहुत इजी है। हम सिंपली क्रोशेट करते हैं ना, तो उसी तरह से है। जिसको क्रोशेट नहीं आता ना, वो वूल की बजाय इस पर प्रैक्टिस करेगा ना, तो बहुत जल्दी सीखेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, जो हमारा पॉलीथिन है ना, इस पर से क्रोशेट थोड़ा सा स्लिप होता है और जल्दी बनता है। तो इसी तरह से आपको भी अगर सीखना है तो इस पर सीखिएगा, बहुत जो है ना कन्वीनियंट रहता है। अब मैं बताती हूँ मेरी क्या याद इससे जुड़ी है। मैं जब छोटी थी, गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी, तो मैं और मेरी मम्मी बैठ जाते थे ये बनाने, क्योंकि हम लोग पॉलीबैग्स को ऐसे ही नहीं फेंकते, क्योंकि हम जो हैं जानवरों के मुँह में ये जाते हैं और उनको बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट को तो नुकसान पहुँचाते ही हैं। और अब तो जूट के बैग्स यूज़ किए जाने लगे हैं, तो इनका थोड़ा सा कम प्रचलन रह गया है, लेकिन दोस्तों फिर भी आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं से। सो आप लोग भी इसको ऐसे ही मत फेंकिएगा, ऐसे ही मैट बनाकर यूज़ कर लीजिए, बच्चों को खेलने के लिए दे दीजिए, बच्चे इस पर बैठकर खेल सकते हैं। आप डाइनिंग मैट बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत लगती है, और डेकोरेशन पर्पज़ से भी यूज़ कर सकते हैं। बास्केट भी बनाकर आप इसकी रख सकते हैं, थोड़ा सा बड़े साइज़ की बास्केट बना लीजिए और बच्चों के टॉयज इसमें भर दीजिए, बहुत खूबसूरत लगती है और बहुत ही ये कह लीजिए इको फ्रेंडली है, क्योंकि हम इसको फेंक नहीं रहे हैं, ये बिल्कुल घिस जाता है यूज़ करते करते और अपने आप ख़त्म भी हो जाता है। तो ये देखिए किस तरह से मैंने इसको जॉइंट किया है, और ये सभी को आता है सर्कल में बनाना, किस तरह से बनाएंगे। और फ्रेंड्स, जब भी इसको बनाएंगे ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जब स्क्वायर में बनाते हैं तो इसके थोड़े से एजेस रफ हो जाते हैं, क्योंकि हमारी कोई पॉली बैग थोड़े से मोटे जो है स्ट्रक्चर की होती है, कोई थोड़े पतले की होती है, तो इसीलिए उसके थोड़े से जो एजेस है ना, थोड़े से रफ़ हो जाते हैं और थोड़े अनइवन से लगते हैं। सो मैंने स्क्वायर में भी बहुत बनाए हैं और राउंड में भी बहुत बनाए हैं। सो मैं आपको बता रही थी, गर्मियों की छुट्टियों में मेरी मम्मी तो मुझे ये कट कर कर के देती थी, और मैं इसको जॉइंट कर कर के खूब बड़ा बना लेती थी, और फिर बैठ कर मैं ये बनाती थी। क्योंकि छोटी थी तो मुझे इसका बहुत शौक रहा है क्रोशेट का शुरू से, और मैंने सीखा भी इसी पे है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि हमारे रिलेटिव्स में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पर मेरी बनाई ये मैट बिछी ना हो। सो फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब तारीफ़ करते थे सब लोग, ये 90s की बात है फ्रेंड्स। सो उस टाइम पे तो लड़कियां ये जो काम है ना, बहुत शौक से करती थी। अभी थोड़ा सा लड़कियों का जो है मन पढ़ाई में ज़्यादा है, तो होना भी चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स मैं ये कहूँगी कि पढ़ाई के साथ साथ आप लोगों को आर्ट भी अपनी बेटियों को ज़रूर सिखानी चाहिए, क्योंकि ये आर्ट है ना जो थोड़ा सा माइंड को सेट रखता है और रिलैक्स करता है। सो ये देखिए अब किस तरह से हम इसको जॉइंट करेंगे। सो हमने सारा डबल ट्रिपल क्रोशेट से बना लिया, और आप इसको बनाते समय ये याद रखिएगा फ्रेंड्स कि आपको जो है ना बीच बीच में एक एक में दो दो भी बनाने हैं, चेन भी छोड़नी है, जिससे इसकी शेप प्रॉपर आएगी। सो अब देखिए मैंने जो सिंगल क्रोशेट है ना, सिंगल ट्रिपल क्रोशेट और बिल्कुल सिंगल डबल क्रोशेट, इससे हम इसे लॉक करेंगे। एकदम से हम इसे लॉक नहीं करेंगे, उससे वो लुक अच्छा नहीं आता है। और जब लास्ट में हम बिल्कुल पहुँच जाएंगे ना, तो उसको स्लिप स्टिच की मदद से उसको बंद करते जाएंगे, जब तक कि जहाँ तक कि हमारा जो ये पॉलीबैग का थ्रेड है ना, ये ख़त्म ना हो। और ये देखिए हमारा ये ख़त्म हो गया, और कितना प्यारा ये लग रहा है, कलरफुल सा। ये आप कितना भी बड़ा बना सकते हैं, कितना भी आप इसको छोटा बना सकते हैं। छोटे छोटे कोस्टर्स भी बहुत खूबसूरत लगते हैं इसके बने हुए। सो आप लोग कुछ भी बनाइएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है। और इस तरह से जो है थ्रेड को पीछे लॉक कर दीजिए। ये देखिए मैंने मल्टीपर्पज़ आपको दिखाया है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो ना, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और बेल आइकन को तो प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में किसी नए आर्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग आर्ट फैक्ट्री PD।